लास्ट टाइम हमने फोर्स के साथ स्टार्ट किया था और हमने फ्रिक्शन की बिल्कुल बात ही नहीं की थी लास्ट दो लेक्चर्स में। आज हम फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे और फ्रिक्शन से होते हुए आज हम मोमेंटम कंजर्वेशन, ये दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक। एंड इसका जो लास्ट, नेक्स्ट टाइम इसका लास्ट लेक्चर होगा, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आज भी देखेंगे बट आज मैं सिर्फ टेक्निक्स बताऊंगा, मतलब मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी बुक्स में जितने मेजर मेजर टाइप्स थे आज वो कंप्लीट कर दूंगा मैं, सच दैट जब आप घर जाके प्रैक्टिस भी करोगे तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे भी तो आपके इस कॉन्सेप्ट से निकल जाएंगे, ठीक है। आज बहुत सारे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से कम भी नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के अंदर बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स है, सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं। फ्रिक्शन क्यों एग्जिस्ट करती है, इसलिए एग्जिस्ट करती है या कहां एग्जिस्ट करती है, वहां एग्जिस्ट करती है जहां सरफेस रफ है। रफनेस को कैसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये रफनेस है, दो सर्फेसेस हैं और दोनों रफ हैं तो ऐसी हैं, मींस इनमें कुछ इस तरीके से, अगर ये सर्फेसेस ऐसी हैं और अगर मैं इनमें इनको क्लोज ले आऊं तो इनके एक तरीके के लॉक्स लग गए, लॉक्स जिसको बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्डिंग हो गई, इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग। ये लॉक्स या बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी फ्रिक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, अगर वेट ज्यादा होगा, भार ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, तभी तो एमजी के ऊपर डिपेंड करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉक्स की शेप पर डिपेंड करेगी, करेगी म्यू साथ में वेट पे डिपेंड करेगी, जो भी देखिए। तो इसमें फ्रिक्शन जो है वो मैंने बता दिया कि इसकी रफनेस है और इतनी थी, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग भी जाके स्टडी करना शुरू कर दें, जरूरत भी नहीं है इसकी। फ्रिक्शन कितने टाइप्स की है, सीधा वहां से शुरू करते हैं और काम की बात करते हैं आज कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। फ्रिक्शन जो है, अगर मैं क्लासीफाई करूं फ्रिक्शन को तो फ्रिक्शन की क्लासिफिकेशन कैसे है, फ्रिक्शन दो टाइप की है, एक जिसको बोलते हैं स्टैटिक और एक या तो बोलते हैं डायनेमिक और काइनेटिक, ठीक, और काइनेटिक, याद है, क्लियर है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपना रोल तब प्ले करेगी जब बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन कब रोल अपना प्ले करेगी, जब बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी, ठीक। तो एक चीज तो क्लियर है कि फ्रिक्शन का बेसिक डेफिनेशन तो सबको आती है, ठीक, लेकिन फ्रिक्शन के जो मेन क्वेश्चन है जहां पर क्वेश्चन गलत होगा वो सिर्फ एक ही है। फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन ऊपर है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलती होने का चांस सिर्फ एक क्वेश्चन में होता है इसमें, और वो है जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक स्लाइड करता है और उनमें फ्रिक्शन होती है। तो जब ब्लॉक ब्लॉक और ब्लॉक, दो ब्लॉक्स हैं, तीन ब्लॉक्स हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, बस एक वही क्वेश्चन है जो सबसे टिपिकल फ्रिक्शन का क्वेश्चन होता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता फ्रिक्शन मुश्किल, ठीक। तो आज हम सारी टाइप्स करेंगे और जितने भी क्वेश्चन बुक्स के अंदर हैं वो मैंने इसमें नोट किए हुए हैं, तो मेन मेन जो आए हुए क्वेश्चन हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन हैं डिफरेंट डिफरेंट उसको स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के अकॉर्डिंगली कि सपोज करो ये एक बॉडी है, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, और ये बॉडी इतने केजी की है, मेरे से बहुत ज्यादा भारी है, फ्रिक्शन नहीं है। अगर मैं इसको एक उंगली से धक्का मारूंगा ना तो मूव करना शुरू कर देगी, जितनी मर्जी भारी बॉडी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन तो है नहीं, रोकेगा कौन, कोई भी नहीं। तो करना क्या है, बस एक हल्की सी फोर्स लगानी है, अपोजिंग फोर्स है नहीं, और इस बॉडी ने मूव करना शुरू कर देना है, ठीक। अब फ्रिक्शन का केस लें, फ्रिक्शन के केस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इतनी बड़ी बॉडी को मैं हिला भी दूं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी जितना इसका नॉर्मल रिएक्शन या वेट ज्यादा है, ये भी क्लियर है यहां तक। तो अगर मान लो फ्रिक्शन है और मैंने किसी तरीके से इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर दी, मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100 न्यूटन आ गई, तो इस बॉडी को हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स देनी पड़ेगी, 100 न्यूटन।
अगर आप 100 न्यूटन से कम फोर्स दोगे तो ये बॉडी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, कोई डाउट इसमें? ज्यादा क्लियर है? अब मेरा बस एक क्वेश्चन है कि सपोज करो इसमें मैंने अप्लाइड फोर्स, मैंने फोर्स अप्लाइड की इसमें 10 न्यूटन, तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है सरफेस और ब्लॉक के बीच में? अगर मैं पूछूं, मैंने फोर्स अप्लाई की 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो मैंने आपको दी हुई है वो 100 न्यूटन है, तो क्या ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100 रहेगी? कितने लोग बोलते हैं 100 होगी आंसर, कितने लोग बोलते हैं कि नहीं 100 नहीं कुछ और होगा आंसर, 10 होगा आंसर? अच्छा ठीक है, पहले काम करते हैं, पहले 100 की बात कर लें। तो ये देखो, सपोज इसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है, अपोज करने का मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन 100 न्यूटन, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स किधर? पीछे, तो यानी कि बॉडी पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ बड़ी फोर्स की तरफ बॉडी मूव करेगी, जो कि नहीं करती। इसका मतलब 100 न्यूटन तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना यहां तक? तो इट मींस क्या होगा इसमें कि अगर मैंने अप्लाई की फोर्स 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डेवलप हो जाएगी 10 न्यूटन, तो 10 और 10 एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसल, नेट फोर्स 0 और बॉडी किस पे रहेगी? रेस्ट पे, ठीक? सपोज एक बॉडी को हिलाने के लिए मैं बोल रहा था कि 100 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है, जिसको मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूं, तो मैं एक कॉलम बना लेता हूं फोर्स अप्लाइड का, और मैं दूसरा कॉलम बना लेता हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, दो चीजें हो गई। तो अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 10 न्यूटन है। और अगर अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 12 न्यूटन है। अगर अप्लाइड फोर्स लेट्स से 40 न्यूटन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 40 न्यूटन है, एंड सो ऑन। ठीक, 40 न्यूटन। और सपोज करो कि अगर मैं फोर्स अप्लाइड 50 न्यूटन करूं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 50 न्यूटन। और ये तब तक चलता जाएगा जब तक मैं फोर्स अप्लाइड कितनी नहीं कर देता? 100 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कितनी है? 100 न्यूटन। ज्यादा क्लियर है? तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, इसको हिलाने के लिए 100 न्यूटन फोर्स चाहिए, तो अगर मैं फोर्स अप्लाइड 10 न्यूटन करता हूं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है, और अगर मैं 12 न्यूटन करता हूं तो 12 न्यूटन है,
और बॉडी हमेशा किस पे रहेगी, एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट का मतलब स्टैटिक। ये सारी फ्रिक्शनल फोर्सेस सारी की सारी अप टू 100 आर नोन एज अ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। ये स्टैटिक फ्रिक्शंस है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक वैल्यू कभी नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन की तो एन नंबर ऑफ वैल्यूज है। आप 100 न्यूटन से नीचे जितनी भी फोर्स लगाओगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली वही वैल्यू अटेन कर लेगी, और वो सारी फ्रिक्शंस क्या होंगी, स्टैटिक, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ये अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली अपनी वैल्यू को क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब सपोज करो मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। मैंने 15 न्यूटन अप्लाई किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 15 न्यूटन है। मैंने ऐसे 90 न्यूटन अप्लाई किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 90 न्यूटन है। और मैंने 100 अप्लाई किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 100 न्यूटन है। इसके बाद अगर मैंने 101 न्यूटन अप्लाई किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, फिर नहीं इंक्रीज या डिक्रीज होगी, फिर अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट हो जाएगी, फिर तो कॉन्स्टेंट हो जाएगी। और इन सारी वैल्यूज पर बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। तो ये सारी फ्रिक्शनल फोर्सेस को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये सारी फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये जो वैल्यू है, ये वाली, दिस इज हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की आखिरी वैल्यू कितनी है, 100। तो उस केस में दिस इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मीन्स हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई डाउट इसमें, मेरी बात? तो स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यूज को चेंज करेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन आखिरी वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसके बाद जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगी यहां पर 100 100 100, जो भी आप बोलोगे, उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज नोन एज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्योंकि इसके बाद बॉडी मोशन में आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है ना। तो एक चीज मैं और बता दूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ना यहां पर, जो कि मैं 100 लिख रहा हूं, एक्चुअल में 100 नहीं होगी, ये 100 से थोड़ी सी कम होगी, चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन थोड़ी सी कम ही होगी। मतलब ठीक है, बॉडी की मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो थी 100 न्यूटन थी। एक बार बॉडी चलना शुरू हो जाए, फिर 100 न्यूटन नहीं, फिर 100 से कम हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, तो बॉन्ड्स बनाने आसान है। एक बार बॉडी मोशन में आ गई, बॉन्ड्स तो बनते पर उतने नहीं बनते जितने स्टैटिक फ्रिक्शन में बनते हैं। तो इसलिए आपने सुना होगा काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोल सकता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपनी वैल्यूज को चेंज करेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम होगी। याद है, क्लियर है? हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन एक बार कॉन्स्टेंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, मोशन में इट विल रिमेन सेम। एनी डाउट? ठीक हो गया यहां तक? दो फ्रिक्शन हो गई। अब और डीप में जाते हैं। ये तो चलो ऊपर ऊपर से हमने स्टडी कर लिया, और ये वैल्यूज आ गई। यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? अब सपोज करो, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? सपोज करो ये एक फ्लोर है, इसके ऊपर ब्लॉक है, मान लो 4 kg का, मान लो 2 kg का। ठीक, ये स्मूथ है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, यहां फ्रिक्शन है, यहां पर फ्रिक्शन है, और यहां पर मान लो म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, हाफ है। म्यू की वैल्यू इज हाफ। आगे मान लो मैं इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, 10 न्यूटन मैंने फोर्स लगा दी, तो आपको ये बताना है कि 2 kg की और 4 kg के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, यहां पर फ्रिक्शन क्या होगी। इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इससे पहले आप सॉल्व करो, क्या फ्रिक्शन के कुछ लॉज हैं। पहला फ्रिक्शन का लॉ ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस दी मोशन ऑफ अ बॉडी, सबको मालूम है। सेकंड पॉइंट है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टेक्ट। थर्ड पॉइंट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, और इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस रफनेस ऑफ सरफेस, जिसको म्यू बोलते हैं। फॉर्मूला सबने सुना होगा, एफ इज म्यू आर। अगर ये ब्लॉक है, ये आर है,
ये mg है, नॉर्मल रिएक्शन समझते हो ना, सरफेस के हमेशा क्या होता है नॉर्मल, तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू टाइम्स mg। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, बड़ा सिंपल केस है, कुछ भी नहीं है इसमें करना। उसी तरीके से अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, इसका वेट mg, तो ये भी थीटा, mg cos थीटा, कौन इसको नीचे लेके जा रहा है mg sin थीटा। इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो इस तरफ होता है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है mg sin थीटा बॉडी को नीचे लेके जा रहा है, अगर फ्रिक्शन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, ऑपोजिट टू द मोशन, और f की वैल्यू क्या होगी, f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स r, या f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स r की जगह हम क्या पुट करेंगे इसमें mg cos थीटा, यहां r की जगह हम क्या पुट करेंगे mg cos थीटा। याद है पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहां तक। तो इस केस में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी हो बॉडी की, कितनी एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे जा रही है, तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स यानी कि mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एनी डाउट, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। अब ये चीज हम न्यूमेरिकल्स में आम यूज करते रहेंगे, कुछ ऐसी बात नहीं कि जो खास बात है, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा था कि बता दूं, अगर नहीं आता किसी को तो पता लग जाए, वापस आ जाओ। मेरा क्वेश्चन कुछ और था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो। कितनी 10 न्यूटन, अच्छा चलो नहीं, आप एक काम करो प्लीज, इसको 8 कर लो, चाहे इस पर कंफ्यूजन हो जाएगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको क्या सिखाया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैंने जो फॉर्मूला सिखाया वो सिखाया F इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। और अगर मैं रिएक्शन निकालूं तो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ सुन लो, अगर ये 4 kg है, अगर ये 2 kg है, अगर ये 1 kg है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, और सब में फ्रिक्शन है, यहां भी फ्रिक्शन है, यहां का म्यू मान लो 0.5 है, यहां भी फ्रिक्शन है, यहां पर म्यू की वैल्यू 0.4 है, यहां भी फ्रिक्शन है, यहां पर म्यू की वैल्यू 0.3 है, मान लो एक मिनट के लिए, तो अगर यहां F इज इक्वल टू म्यू टाइम N निकालना हो, म्यू की वैल्यू 0.5 है, इस पॉइंट पर रिएक्शन कितना है, रिएक्शन जितना इस पॉइंट पर वेट है, और इस पे कौन वेट लगा रहा है, 4 भी लगा रहा है, 2 भी लगा रहा है, और 1 भी लगा रहा है, तो टोटल कितना हो गया 7g, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई। अगर यहां F निकालना हो तो म्यू कितना है यहां पर 0.4 इंटू 3g, अगर यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी हो तो 0.3 इंटू 1g, ठीक है ना। तो प्लीज इसको गलत मत करना, जहां पर हम खड़े हुए हैं उसके ऊपर कितना वेट है वो मैटर करता है, उसके नीचे कितना वेट है वो मैटर नहीं करता। ये पॉइंट भी क्लियर है, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक। अपने क्वेश्चन में वापस आ जाएं एक बार फिर से, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन में मैंने F इज इक्वल टू म्यू आर लगाया, म्यू की वैल्यू 1/2 है, नॉर्मल रिएक्शन कहां निकालना है, यहां निकालना है, यहां कितना वेट है 2g, 2 इंटू जी, जी को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, तो मेरा आंसर क्या आ गया 10 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, अच्छा 8 आएगा, ओके। देखो सुनो, इसको ध्यान से सुन लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जब हम इधर देखो, जब हम F इज म्यू आर लगाते हैं और बॉडी रेस्ट पे है,
तो उस केस में दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये वो फ्रिक्शन है जो जिसके अकॉर्डिंगली 2 kg का ब्लॉक ये बोलता है कि अगर आप मुझे 4 kg से सेपरेट करना चाहते हो तो ठीक है मेरे ऊपर फोर्स लगा के दिखाओ 10 newton. अगर आपकी फोर्स, मान लो नीचे एक ब्लॉक है, मैं 2 kg ब्लॉक हूं, मैं ये बोलता हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 newton, अगर आप मुझे हिलाना चाहते हो, हिलाना मीन्स 4 kg से सेपरेट करना चाहते हो, तो 10 newton की फोर्स से ज्यादा लगाना. अगर आपने 10 से कम लगाई तो फिर मैं मूव तो करूंगा लेकिन साथ में किसको लेके जाऊंगा, 4 kg को साथ ही लेके जाऊंगा, देयर विल बी नो सेपरेशन. ठीक, अगर आप सेपरेशन करवाना चाहते हो तो मेरे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और बॉन्ड्स तोड़ने के लिए मेरे मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करना पड़ेगा. कोई डाउट इसमें? ठीक हो गया ना यहां तक, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो इसको, इसीलिए हम क्या करते हैं, आपके फ्रिक्शनल, मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे है, और थोड़ा और समझ लो इस चीज को, कोई बॉडी रेस्ट पे है और मान लो यहां पर म्यू की वैल्यू जो है सपोज हाफ है, कुछ भी लगा लो हाफ है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में है, तो हमने डिस्कस किया यहां पर जो फ्रिक्शन है इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो यहां पर जो फ्रिक्शन आएगी उसको कौन सी फ्रिक्शन बोलेंगे, स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे. अब प्रॉब्लम यह है कि जो बॉडी का वेट, चलती हुई बॉडी का और खड़ी हुई बॉडी का वेट तो कभी चेंज होता नहीं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स एमजी. काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में भी म्यू टाइम्स एमजी, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसा तो होता नहीं है. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या आती है, कम आती है. इसका मतलब क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी, म्यू. तो आपने देखा होगा कई बुक्स में काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में म्यू अलग लेने को कहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में अलग अलग होगा. क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन के म्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा. क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या आती है, ज्यादा, ज्यादा स्टैटिक रेस्ट पे ज्यादा आती है. ज्यादा क्लियर है? ये समझ आ रहा है कि म्यू कहां काम आएंगी? अगर तो बॉडी चल रही है तो आपने म्यू एस के साथ कभी काम नहीं करना, आपने हमेशा म्यू के साथ काम करना है. और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो आपने म्यू के साथ काम नहीं करना, आपने म्यू एस के साथ काम करना है. ये स्टेप क्लियर है? अब क्योंकि मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस मैंने तो म्यू ही दे दिया, वो तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए म्यू दिया था. एक्चुअल में ये स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू है. बॉडी चल कहां रही थी, बॉडी को तो मुझे चलाना है, बॉडी को तो चलाना है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा आपको म्यू गिवन है, स्टैटिक. तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गई कि अगर आप 10 न्यूटन को एक्सीड करोगे तो बॉडीज में सेपरेशन होगी. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब मैंने कितनी फोर्स लगाई थी, 8 newton. मैंने कितनी फोर्स लगाई, 8 newton. तो अगर मैंने 8 newton की फोर्स लगाई तो उस केस में मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, 80 होगी. क्यों?
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले इसको ध्यान से देखते हैं। छोड़ दो, मैंने जो बताया सब भूल जाओ। क्या आपको यहां तक समझ आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? 10 न्यूटन। एक चीज समझो, अगर मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन बताया, मैंने फोर्स अप्लाइड 8 न्यूटन लगाई, इसका मतलब ये ना सोचो कि बॉडी मूव नहीं करेगी। किसने कहा बॉडी मूव नहीं करेगी? मैं तो आपको एक चीज बता ही चुका हूं कि मान लो 6 किलो का ब्लॉक है, नीचे फ्रिक्शन नहीं, हाथ भी लगा दूंगा बॉडी को तो मूव करना पड़ेगा। तो मान लो ये 6 किलो का ब्लॉक है, मैंने इसको 8 न्यूटन अप्लाई किया, तो ये मूव क्यों नहीं करेगी? तो एक चीज तो मानते हो कि पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। अब अगर ये मूव करेगा तो इसकी कोई एक्सेलरेशन होगी। मेरे को बस एक चीज का डर था कि मैंने कहीं फोर्स 2 केजी के ऊपर इतनी तो नहीं लगा दी कि 2 और 4 सेपरेट ही हो जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है, 2 केजी मैंने इतनी फोर्स लगा दी कि 2 केजी का ब्लॉक 4 केजी को छोड़ गया, 4 केजी नीचे रह गया और 2 केजी हवा में निकल गया। तो वो चेक कैसे किया मैंने? मैंने देखा कि इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी 10, पर मैंने कितनी लगाई 8, और मैंने आपको 2 केजी की स्टेटमेंट तो दे दी। 2 केजी ब्लॉक क्या बोलता है कि अगर आप मेरे को 4 केजी सेपरेट करना चाहते हो तो कितनी फोर्स लगा के दिखाओ? 10 से ज्यादा। अगर 10 से कम फोर्स है तो मैं 2 केजी 4 केजी के कॉन्टेक्ट को छोड़ूंगा नहीं, हम इकट्ठे रहेंगे। तो मैंने कितनी फोर्स लगाई? 8, और कितनी फोर्स चाहिए थी सेपरेट करने के लिए? 10, यानी कि इनकी सेपरेशन नहीं होगी। यहां तक क्लियर है? ये दोनों ब्लॉक सेपरेट नहीं होंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर ये इकट्ठे मूव करेंगे, 10 केजी का इतना ही रोल था बस, सॉरी 10 न्यूटन का इतना ही रोल था, वो सिर्फ चेक कर सकता है कि सेपरेशन होगी या नहीं होगी। तो 2 केजी के ऊपर 8 न्यूटन फोर्स थी, 4 केजी के ऊपर यहां फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं थी। ये क्वेश्चंस जब भी होंगे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ये हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम से ही होंगे, बिना फ्री बॉडी डायग्राम के ये नहीं हो सकते। कैसे? सपोज 2 केजी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, 2 केजी के ऊपर 8 फोर्स कितनी है? 8 न्यूटन। और 2 केजी को अगर आप खींचोगे तो यहां पर फ्रिक्शन है, तो यहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी? 8 न्यूटन के ऑपोजिट। ज्यादा क्लियर है? समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं 4 केजी का डायग्राम बनाऊंगा, 4 केजी के ऊपर भी फ्रिक्शन होगी, डायरेक्शन बोलो कहां होगी? ये मैंने सही बनाया? मैं समझाता हूं, देखो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स एक के लिए नुकसान कर रही है तो एक को फायदा कर रही है। आप एक काम करो, 4 केजी से जाके पूछो तेरे ऊपर किसने फोर्स लगाई? लेकिन मेरे पे किसने फोर्स नहीं लगाई, तू कैसे मूव कर रहा है? मेरे को किसने मूव करवाया? फ्रिक्शन ने। हमारे बीच में फ्रिक्शन थी और मेरे को फायदा हो गया फ्रिक्शन के, मैं चिपका रहा और मैं आगे चला गया। और किसी भी बॉडी को अगर आगे लेके जाना है तो उसकी फोर्स कहां लगनी चाहिए? आगे। अब आप ये पूछो 2 केजी को कि तेरे ऊपर 8 न्यूटन की फोर्स लगी है तो तू तो बड़े आराम से मूव करेगा। कहां आराम से मूव करेगा, वो कहेगा उल्टा मेरे को तो किसको खींचना पड़ रहा है? 4 केजी को। इसका मतलब 4 केजी उसके लिए तो ऑपोजिशन की तरह फ्रिक्शन एक्ट करेगी, तो इट मींस कि 8 न्यूटन को फ्रिक्शन क्या करेगी? अपोज। और ये फ्रिक्शन कौन जनरेट कर रहा है? 4 केजी। बात समझ में आ रही है? तो एक फ्रिक्शन किसी के लिए फायदा, जिसके ऊपर तो फोर्स नहीं लग रही उसको तो फायदा होगा, और जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसके लिए फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगी? फिर बॉडी डायग्राम क्लियर है? ये एफ और एफ ऐसे कैसे हो गए? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सिस्टम के साथ काम नहीं करना, क्योंकि सिस्टम के अंदर जाके एफ निकालना है, तो सिस्टम को दो पार्ट्स में करना पड़ेगा। अगर 6 केजी ब्लॉक लेना है तो उसके अंदर कैसे फ्रिक्शन निकालोगे?
एट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमारा एक्सेलरेशन नहीं कर सकती है, फ्रिक्शन तो ही निकलेगी उनके बीच में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इनके बीच में रेड कलर में फ्रिक्शन निकालो, वो कैसे निकाल लोगे? एक ही ब्लॉक ले लोगे तो अंदर कैसे जाओगे उसके? समझ आया ना? ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लियर है, बस उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक मिनट का आंसर रह गया। ये सिस्टम कहां मूव करेगा? आगे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ये भी आगे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंगली बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, एट माइनस एफ, एट माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसके लिए एफ इज इक्वल टू फोर इंटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करके बताना जरा एफ कितना आ रहा है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, ए आ जाएगा। एफ कितना आ रहा है? फोर बाय थ्री, ठीक है, सिक्सटीन बाय थ्री, ओके सिक्सटीन बाय थ्री इतना आ रहा है, ठीक है ना? कम से कम आठ न्यूटन नहीं आ रहा, डिफरेंस है ना? एक्सेलरेशन के साथ आंसर चेंज हो गया ना? हाँ, अगर वो ब्लॉक मूव ही ना करता, नो एक्सेलरेशन, तो आंसर आठ न्यूटन होता। अगर सिस्टम ही मूव ना करता तो आंसर विल बी, समझ में आई बात? पॉइंट सबको समझ आ रहे हैं, मैंने क्या समझाने की कोशिश की इसमें? अगर बताता हूं उसको क्या करना है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक बार नए तरीके से सेम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पर इस कॉन्सेप्ट में क्लियर है, इसका बिल्कुल लालच नहीं करना कि मेरे को म्यू गिवन है, म्यू इनटू एमजी आंसर। आधी जनता ये करके आएगी, क्वेश्चन है ही कुछ नहीं, उठेगी म्यू है, म्यू इनटू एमजी, मेरे तो आंसर आ गया, घर आ गया कि पेपर तो अच्छा हो गया, पेपर कहां से अच्छा हुआ, रैंक ही नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि कहां कंफ्यूजन है? तो ट्रिक क्लियर है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। सेम 2 kg का ब्लॉक है, सेम 4 kg का ब्लॉक है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, यहां फ्रिक्शन है, म्यू की वैल्यू अगेन हाफ, इस बार मैंने फोर्स लगाई 8 newton 4 kg के ऊपर। एफ एफ निकाल लो, अब एफ निकाल लो क्या होगा, ठीक है? पर ये म्यू एफ की वैल्यू गिवन है हाफ। पहला रूल, मेरे को एक चीज का डर है, क्या डर है? ऐसा ना हो कि 2 kg तो ऊपर पड़ा रह जाए और मैं इतनी जोर क्यों 4 kg को कि 4 kg आगे निकल गया, 2 kg नीचे गिर गया, फिर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक हो गया? कैसे पता लगेगा ऐसा केस हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए यू हैव टू चेक स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स एमजी। इस पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन चेक करें, म्यू एस की वैल्यू हाफ है, इस पॉइंट पर रिएक्शन कितने है? 2g 2 × 10, तो मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी आई? 10, और मैंने फोर्स कितनी लगाई? 8, तो ठीक है। 2 और 4 केजी ये बोलते हैं, अगर तो कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी हमारे बीच में? 10। स्टैटिक फ्रिक्शन यही होती है ना, 2 केजी और 4 केजी दोनों ये बोलते हैं, सेपरेशन मींस दोनों की सेपरेशन। तो मैंने कितनी फोर्स लगाई? 8। स्टैटिक फ्रिक्शन से कम लगाई, इसका मतलब इनकी सेपरेशन नहीं होगी। ये अगर मूव करेंगे तो इकट्ठे मूव करेंगे, और अगर इकट्ठे मूव करेंगे तो इनकी कॉमन एक्सेलरेशन होगी, ए एक्सेलरेशन होगी सिस्टम की। याद क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है ना? अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन तो सिर्फ चेक करने के लिए थी, आंसर थोड़ी ना, क्वेश्चन वही है, फिर एफ निकाल लो एक बार दोनों के बीच में। तो इसके लिए फिर से क्या बनाना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम, 2 kg 4 kg, 4 kg को 8 newton फोर्स, 2 kg से जाके पूछो कि तू मूव करेगा, 2 kg से मैं मूव करूंगा, क्योंकि वो तुम चेक कर ही चुके हैं। कौन मूव करवाएगा 2 kg को? क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर नहीं रहे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो 2 kg को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प करेगा आगे मूव करवाने के लिए। लेकिन 4 kg से पूछो,
4 kg कहेगा कि मेरे ऊपर तो एक्स्ट्रा बर्डन है 2 kg, मेरे को उठा के जाना पड़ रहा है उसे, इसका मतलब 2 kg फोर्स, 4 kg के ऊपर, नीचे नहीं ऊपर, 2 kg 4 kg को क्या करेगा, अपोज, एक को फायदा एक को नुकसान। और बड़ा सही तरीका है डायरेक्शन निकालने का, जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं उसको तो फ्रिक्शन हेल्प ही करेगी, और जिसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कुछ भी होगी फ्रिक्शन उसको हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है ना यहां तक? अब दोनों के दोनों विल मूव विद सम एक्सेलरेशन ए, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएं, एफ इज इक्वल टू 2 into a, इसके लिए 8 - f इज इक्वल टू 4 into a, कितना आंसर आ रहा है सॉल्व करो, f की वैल्यू कितनी आ रही है 8y, पड़ गया ना फर्क आंसर में, पॉइंट क्लियर। ठीक है ना, यहां ऊपर ब्लॉक का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर आप रूल फॉलो करो, और जितने क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन तो मैं लिख के लाया हूं, क्वेश्चन ढूंढे भी नहीं मिलेगा आपको कोई और, यहां तक क्लियर है? तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट इज सपोज 2 kg, सपोज 4 kg, सपोज 2 newton एंड 20 newton, नीचे फ्रिक्शन लेनी नहीं है। आप पूछ रहे थे अगर नीचे भी लेनी है तो क्या करना है, अभी बताता हूं, पर पहले इसे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन वही है, यहां फ्रिक्शन है, म्यू की वैल्यू मुझसे ले लो हाफ, अगेन हाफ, आपको यहां एफ निकालना है क्या होगा, कुछ भी नहीं करना आप तो, बिल्कुल बहुत आसान है। इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि आपको यह देखना है कि इसके अंदर सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, आपको यह देखना है इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, और अगर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एम इंटू जी हाफ इंटू 2 into 10 कितनी आ गई 10 newton। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? अब मैं इसके इसमें क्या कर सकता हूं, अगर इसमें जो वैल्यूज है, जो मेरी जो वैल्यू आई वो 10 न्यूटन आई, मैं काम करता हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 forces लग रही हैं, एक नीचे लग रही है और एक ऊपर लग रही है। अब मैंने कितनी फोर्स लगाई, लेट से यहां पर एक्चुअल फ्रिक्शन एफ है, मैं अगर सपोज 2 kg के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम 2 मिनट बनाऊं तो एक 2 newton आएगा। अल्टीमेटली ये सिस्टम मूव कहां करेगा, जहां बड़ी फोर्स है, जहां बड़ी फोर्स है 20 newton वही मूव करेगा। इट मींस कि अगर ये यहां मूव करेगा तो 2 kg को तो फ्रिक्शन हेल्प करेगी एफ, इसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर कम फोर्स ही ना, और कम फोर्स ही, और मान लो सिस्टम आगे मूव कर रहा है इसके साथ 2 मिनट के लिए, इट मींस मान लो जैसे कई क्वेश्चन में ये नहीं था, मान लो ये ना होता तो भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप ऐसे ड्रॉ करते अलोंग द मोशन ऑफ अ बॉडी, और अगर ये 2 newton है तो आपको क्या कहता है 2 newton, आप यहां 2 newton लगा लो, ठीक हो गया। उसी तरीके से जो 4 kg है, 4 kg को इस तरफ 20 newton है और इसके ऊपर कितनी है एफ है, ठीक है ना, जो 4 kg है उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स 20 है, बड़ी फोर्स है तो उसको तो अपोजिशन उल्टी तरफ मिलेगी, ठीक है ना, यहां तक ऊपर वाले ब्लॉक को फायदा होगा फ्रिक्शन का, नीचे वाले ब्लॉक को अपोजिशन मिलेगी। तो इस केस में अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मेरे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है 8 newton, चेक करना 8 आ रही है, ठीक है ना, मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स इनके बीच में 8 newton आ रही है। अब एक्चुअल में जो एक्चुअल फोर्स �फॉर फ्रिक्शन है, देखो 20 newton है और 2 newton है, उसको देखते हुए लग रहा था कि ये सेपरेट हो जाएंगे, बड़ी बड़ी फोर्सेस है ना, लग रहा था कि ये तो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने अंदर जाके देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन उनके बीच में 10 है और एक्चुअल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उनके बीच में है वो 10 से क्या है कम है, और अगर वो 10 से कम है इनका मतलब इसकी सेपरेशन नहीं होगी, इसका मतलब इसकी सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 10 से कम है। तो उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने लिख के आनी है वो उसकी वैल्यू क्या लिख के आनी है
8 न्यूटन, मतलब आपने इन क्वेश्चंस को इन शॉर्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं करना कि बस हमने क्या किया एफ इज इक्वल टू म्यू आर और म्यू इनटू एमजी मेरा फ्रिक्शन का आंसर आ गया, बिल्कुल गलत। जब भी बॉडीज कॉन्टेक्ट में होंगी आपको एफ ड्रॉ करके ही अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, फ्री बॉडी डायग्राम से ही करना है, नहीं तो सोल्व नहीं करना। अब एक काम करो, सबसे सही क्वेश्चन ये जो मैं अब करने जा रहा हूं, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, एक बॉडी ए एम ए जिसकी वैल्यू 35 kg, एक बॉडी बी जिसकी वैल्यू लेट से 7 kg, म्यू ऑफ एस इनके बीच में फ्रिक्शन है और नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हाफ, फोर्स अप्लाइड बी के ऊपर 100 न्यूटन, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें वैल्यू निकालनी है ए की एक्सेलरेशन क्या होगी, यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में अप्लाइड फोर्स कितनी है 100 न्यूटन जो मैंने अप्लाई की, तो अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू 7 इंटू जी, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन 7g के साथ आएगी, हाफ इंटू 7 इंटू लेट से जितना भी लेना है 10 अप्रोक्सीमेटली, आपके पास इक्वल टू आंसर क्या आएगा 28 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 28 न्यूटन, याद तक क्लियर है? I'm sorry, इज इक्वल टू 35 न्यूटन, ठीक है याद तक। अब इसमें इस क्वेश्चन में मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशियंट आपको कितना दिया है 0.5, एक काम करो म्यू के भी ले लो, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है, मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0.4 है, ले लिया। अब ध्यान से देखना मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी आई 35, ठीक है, मैंने फोर्स कितनी अप्लाई कर दी 100 न्यूटन, तो 7 kg का ब्लॉक क्या बोलता था कि अगर आप मेरे को सेपरेट करना चाहते हो 35 kg से, तो एक काम करो मेरे ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितनी लगा के दिखाओ 35, और मैंने कितनी लगा दी 100 न्यूटन, 101% ये सेपरेट हो गई होंगे, यानी कि अब ये इकट्ठे एज अ वन बॉडी मूव नहीं करेंगे, अब ये कैसे मूव करेंगे कि जो बी मास है वो आगे मूव करेगा, पर ऐसा नहीं है कि ए मास मूव नहीं करेगा, ए मास मूव करेगा पर उतनी एक्सेलेरेशन से मूव नहीं करेगा जितना बी कर रहा है, थोड़ा पीछे पीछे रहता जाएगा, स्लाइडिंग होने की स्लाइडिंग भी होगी और साथ में बी ब्लॉक ए ब्लॉक मूव भी करेगा, लेकिन दोनों की एक्सेलेरेशन क्या करेंगी एफ आर। पॉइंट सबको समझ आ रहा है डिफरेंट क्यों हो रही है, अगर तो दोनों चिपके रहते फिर तो कॉमन एक्सेलेरेशन थी, पर क्योंकि ये चिपके नहीं रहेंगे ये सेपरेट हो जाएंगे, और अगर ये सेपरेट होंगे तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि चलो जी बी ब्लॉक तो आगे निकल गया ए ब्लॉक मूव नहीं किया, क्यों, क्योंकि कुछ फ्रिक्शन तो है ना, तो कुछ फ्रिक्शन की वजह से कुछ तो आगे जाएगा लेकिन उतनी तेजी से नहीं जाएगा जितनी ये जाएगा, तो इसकी एक्सेलेरेशन इस केस में डिफर करो। पॉइंट नंबर वन क्लियर है, कैसे चेक करना है सेपरेशन होगी या सेपरेशन नहीं होगी, ठीक हो गया, तो एक चीज तो क्लियर है इनमें ये ब्लॉक सेपरेट होंगे, अगर ब्लॉक सेपरेट होंगे और अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये एमबी है, एमबी के ऊपर कितने न्यूटन की फोर्स लगी 100, जिसके ऊपर फोर्स लगती है उसके नीचे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमेशा क्या करती है उसे अपोज करती है, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाइड नहीं होती उसको फ्रिक्शन का फायदा होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं ए ब्लॉक की बात करता हूं, ए ब्लॉक को तो फायदा हो जाएगा आगे जाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ब्लॉक्स मूव कहां करेंगे, अल्टीमेटली दोनों ब्लॉक्स मूव तो आगे ही करेंगे, लेकिन जो नीचे वाला ब्लॉक है उसको फ्रिक्शन मूव करवाएगी, जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसको अपोज, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना यहां तक। लेकिन एक चीज और पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों की एक्सेलेरेशन बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी, इसकी एक्सेलेरेशन सपोज एक्सेलेरेशन ऑफ बी, इसकी एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन हो रही है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब फाइनली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालें, बोलो कितनी लें, एफ ले लें, कितनी लें
एफ एस लें, एफ लें, एफ के लें, क्या लें? अब तीन तीन ऑप्शन है, या तो एफ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो जैसे हम करते आए हैं, या एफ एस के साथ करो, या फिर कोई भी एफ के ले लो, क्या लें? एफ के लें। देखो बॉडीज चल रही हैं, सेपरेशन है, और अगर सेपरेशन है चल रही हैं, कौन सा फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा? काइनेटिक। स्टैटिक खत्म हो गया, स्टैटिक तो जब तक था जब तक वो चिपके हुए हैं, और जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर तो स्टैटिक से भी कम वैल्यू लेते थे क्योंकि वो चिपके हुए हैं, इसमें तो वो चिपके नहीं हुए, अब वो सेपरेट हो रहे हैं, और अगर वो सेपरेट हो रहे हैं तो यहां पर फ्रिक्शन कौन सा रोल प्ले करेगी? काइनेटिक। पॉइंट सबको समझ आ रहा है? तो म्यू के इंटू मास ऑफ बी इंटू जी, और यहां भी सेम वैल्यू होगी, म्यू के इंटू मास ऑफ बी इंटू जी, वो तो सेम होती है जितनी भी होती है। तो आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तीनों गिवन है। तो एक काम करो, इसके लिए इक्वेशन बनाओ, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके लिए इक्वेशन बनाओ फोर्स मास एक्सेलरेशन। दो इक्वेशंस क्लियर है, सब कुछ गिवन है, ये भी निकल जाएगा, सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, एक्सेलरेशंस निकाल लेना आंसर। इसके लिए 100 नीचे, ये वाला, ये वाला, इसमें ये एम ए अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इधर देखो पिछले फिगर में आ जाओ, हम यहां निकाल रहे हैं ना फ्रिक्शन एफ के, तो यहां रिएक्शन कितने एम बी का, एम ए का नहीं है, तो यहां पर अगर एफ ऑफ के निकाल लें तो म्यू के इंटू एम ऑफ बी इंटू जी होगा ना, ठीक। तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ऊपर और नीचे ब्लॉक के लिए एग्जैक्टली सेम होगी, तो इसलिए ऊपर वाला मास ही आएगा, नीचे वाला मास कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ रही है बात? तो हो जाएगा सॉल्व, आंसर आ जाएगा, ठीक है। Acceleration of slab.
सबसे पहले इधर देखना, सबसे पहली चीज हम इसमें स्टैटिक निकालने, पहले स्टैटिक इज म्यू एस इनटू, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि मास कौन सा लेना है, सिर्फ एक चीज देखो, फ्रिक्शन कहां कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर, यहां पर रिएक्शन कौन लगा रहा है 10g, तो फ्रिक्शन में बस यही मास लेना है, तो इनटू 10 इनटू जी, म्यू एस आपको गिवन है, सॉल्व करोगे तो 58.8 न्यूटन के करीब आंसर आ जाएगा, 9.8 जब पुट करोगे यहां पे, तो ये आंसर आ गया, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आ गए, ठीक है ना, यहां तक आप 10 ले रहे होगे तो ज्यादा आ रही होगी, कोई बात नहीं, क्लियर है। अब आप फोर्स अप्लाई कितनी कर रहे हो, 100, इसका मतलब इनकी सेपरेशन होगी, और अगर सेपरेशन होगी तो दोनों की एक्सेलेरेशंस डिफरेंट होंगी, याद क्लियर है, कोई डाउट इसमें, और अगर इनकी एक्सेलेरेशंस, तो इसका काम तो खत्म हो गया है, इसको तो छोड़ ही दो, इसको नहीं पकड़ना, स्टैटिक फ्रिक्शन से तो कुछ सॉल्व ही नहीं होता ना, लिमिटिंग से कुछ नहीं, वो तो बस चेक करने के लिए होता है। तो अब मेरे को किसकी एक्सेलेरेशन निकालनी है, स्लैब की, स्लैब मींस 40 kg, तो मैं डायग्राम इसके लिए बनाऊं, इसके ऊपर ऊपर स्लैब से पूछो कि इसकी मोशन कहां होगी, ये कहेगी राइट, कौन मोशन करवाएगा, इसके जो ऊपर एक्ट कर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन कौन सी, काइनेटिक, क्योंकि इनकी सेपरेशन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल नहीं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तो कौन से फ्रिक्शन का रोल आ जाएगा, काइनेटिक, यहां तक क्लियर है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी म्यू के इनटू, ये कंफ्यूज, ये काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखो, म्यू के इनटू फ्रिक्शन, स्टैटिक निकल तो यही रही है ना, इसका मतलब मास भी कितना लेंगे, 10 इनटू जी, मास तो हमेशा ऊपर वाले ब्लॉक का ही लेते हैं, क्लियर है यहां तक, सृष्टि समझ आ रहा है, तो यहां से एफ के आ गया, तो इसमें और तो कोई फोर्स नहीं, लेट से इसके आगे जाने की एक्सेलेरेशन A40 है, जो मर्जी लगा लो, ए बी है A40, तो एफ के इज इक्वल टू 40 इंटू ए ऑफ 40, एफ के की वैल्यू आप निकाल लेना, म्यू ऑफ के इंटू 10 इंटू जी, वैल्यूज पुट कर लेना जी की और म्यू के की, यहां से किसका आंसर आ जाएगा, ए ऑफ 40, कितना आ रहा है आंसर, ऊपर वाले ब्लॉक को बनाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पूछा ही नहीं ब्लॉक की एक्सेलेरेशन, हाँ ब्लॉक की एक्सेलेरेशन पूछता तो ए 40 नहीं, फिर ए ऑफ 10, डिफरेंट एक्सेलेरेशन, समझ आ रहा है सबको, अब मेरे को नहीं लगता कि जितने क्वेश्चन थे वो सफिशिएंट हैं, कम से कम आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे कुछ सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने करना है टॉपिक, बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, क्या है बॉडीज इन कॉन्टैक्ट में, देखो जो मैं करने जा रहा हूं उसको देखो जरा प्लीज आगे अनुराग, सपोज ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, कॉन्टैक्ट में है, मास m1 है, मास m2 है, मैंने इसको एफ फोर्स लगाई, इन दोनों की एक्सेलेरेशन ए, तो अगर आप इसको पूरे सिस्टम को एक सिस्टम लेते हो तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, बिल्कुल सही है, आप लगा सकते हो, पर आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाएगा कि ये निकालो, आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा इनकी कॉन्टैक्ट फोर्सेस निकालो, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब कि m1 ने m2 को फोर्स लगाया, राइट की तरफ फोर्स अप्लाई की, लेट से टी, तो बाय रिएक्शन m2 ने भी m1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की और वो है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट ही होती है, टी एंड टी। अब टी निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम m1 के ऊपर एफ फोर्स है और इसको m2 अपोज कर रहा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ टी, और जो m2 है इसको आगे कौन लेके जा रहा है, फोर्स, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, टी, और अल्टीमेटली ये टी जनरेट किसने करवाई है, एफ ने, आप धक्का ना मार दे तो टी जनरेट ना होती इसमें, यहां तो क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना, तो दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए एंड ए, तो इसके लिए इक्वेशन एफ माइनस टी इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, टी मास इनटू एक्सेलेरेशन,
ठीक है ना, यहां तक इन दोनों को जब आप साइमल्टेनियसली ऐड करोगे टी एन टी कैंसल, आंसर वही आ जाएगा एफ इज एन वन प्लस एन टू इन टू ए, बट आपसे ए नहीं पूछा जाएगा, आपसे तो टी पूछा जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेना, टी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, इक्वेशंस क्लियर है कैसे बनी, इनको ऐड कर लेना, एफ आ जाएगा और सॉरी ए आ जाएगा और टी भी आ जाएगा, ठीक। लो फिर एक और देखो इसमें क्वेश्चन, इधर देखो एम वन एम टू एम थ्री तीन ब्लॉक्स हैं, फ्रिक्शन है नहीं, तो मैं इसके ऊपर एफ फोर अप्लाई करता हूं, तो एम वन ने एम टू को कुछ फोर्स अप्लाई करनी है लेट से टी, तो एम टू एम वन के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा टी, इक्वल एंड ऑपोजिट, एम टू एम थ्री के ऊपर लगाएगा टी वन, तो एम थ्री एम टू के ऊपर लगाएगा टी वन। याद रहे कि यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स बड़ी होगी एज कंपेयर टू दिस, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके इसको धक्का मार रहे हैं, इस केस में सिर्फ, तो दोनों की फोर्सेस में डिफरेंस होगा, लेकिन एक्ट ये पेयर में करती है टी एन टी, टी वन एंड टी वन, ठीक है। याद है फ्री बॉडी डायग्राम मूव ये ए से साथ यही करेंगी, एम वन एफ और इसको अपोज कौन करेगा टी, मींस एम टू ने एम वन के ऊपर फोर्स लगाई टी, एम टू एम टू को एम वन ने फोर्स लगाई टी, लेकिन एम थ्री ने कितनी लगाई टी वन, एम थ्री को कितनी फोर्स लगाई टी, ठीक ठीक है ना यहां तक, और अल्टीमेटली ये भी ए के साथ इधर जा रहा है, ये भी ए के साथ इधर जा रहा है, ये भी ए के साथ इधर जा रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एफ माइनस टी मास इंटू एक्सलेशन, इसके लिए क्या बनेगी टी माइनस टी वन मास इंटू एक्सलेशन, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इंटू एक्सलेशन, और इसके लिए टी वन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, सॉल्व कर लेना उस तरह चाहिए आपने लास्ट टाइम कर लेना, ठीक है ना यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं क्या है, तो क्या थी पहले, क्या थी प्लस वन में, प्लस वन का स्टूडेंट, ठीक, अभी मैं नया नया आईआईटी का सपना रखता हूं, अभी फोर्स मेरी स्टार्ट ही हुई है, ठीक, ऐसे होता है ना लॉज ऑफ मोशन, तक नहीं वेक्टर कुछ जोश कम कर देता है, वेक्ट नहीं करता, अच्छा चलो ठीक है, कईयों को कर देता है वेक्टर्स, कोई बात नहीं, रादर प्रोजेक्टाइल्स, मान लो लॉज ऑफ मोशन से पहले प्रोजेक्टाइल्स एक चैप्टर आता है, काफी बच्चों को ना मुश्किल लगता है, टीचर मोटिवेट करता रहेगा यार प्रोजेक्टाइल्स में है क्या, कुछ भी नहीं है, है क्या कुछ भी नहीं, अब जब टीचर समझाता है क्लास में प्रोजेक्टर समझ भी आ जाता है, घर जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, मुश्किल से 25% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्यों, उसका रीजन है प्रोजेक्टाइल उड़ रहा है, टीचर बताता है कि प्रोजेक्टाइल या तो सीधा जाएगा या एंगल पे जाएगा और काम खत्म, जब ऑब्जेक्टिव बुक उठाते हैं तो प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड हो जाता है, वो तो करवाया नहीं, अब
टीचर कैसे करवाए, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। ठीक हो गया, बच्चे को लगता है कि क्योंकि वो टीचर से तो पूछता नहीं कि मेरे को समझ नहीं आया, इतना कहाँ टाइम होता है, या नहीं पूछते कई लोग, वो सोचते हैं कि शायद मेरे को मेरी फिजिक्स ढीली चल रही है, ठीक मेरे को उसको समझ नहीं आ रही, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बता रहा हूँ ये। ठीक, फिर लॉज ऑफ मोशन में जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन में जैसे जाते हैं कि वो पुलिस करवा दिया सब कुछ ठीक है, उसमें बताते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन नाम की चीज है, जिसमें एक बुलेट अगर आगे निकले तो गन पीछे जाएगी, तो M1 V1 M2 V2 ठीक मींस ये कहां से आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। बट डेफिनेशन कुछ और ही है, डेफिनेशन क्या है कि F इज इक्वल टू dP / dt इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एक्सटर्नल तो P इज अ कॉन्स्टेंट। अब कई लोगों को ये नहीं समझ आता कि गोली चलने का इससे लेना देना क्या है, वो रिलेट ही नहीं कर पाते। टीचर बोलता है M1 V1 M2 V2 लगा लेना, और यहाँ पर क्या चल रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड P इज अ कॉन्स्टेंट, तो वो लगाने की कोशिश कर रहा है कि P कॉन्स्टेंट लग कहाँ है। चलो किसी तरीके से उसको समझ आ गया बुलेट वाला क्वेश्चन, टीचर कहता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन खत्म, दो तीन एग्जांपल करवाए काम खत्म। अच्छा, वर्क एनर्जी पार में टक्कर हो जाती है बॉल्स की, तो बॉल्स जब कोलाइड करती है, फिजिक्स टीचर बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। अब बच्चा सोचता है कि ये कैसे हो गया, ये टॉपिक तो खत्म हो गया था, बॉल्स की टक्कर का इससे लेना देना कैसे हुआ। चलो वो समझाता है कि अगर बॉल्स M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2, कहानी सॉल्व हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर आगे टॉपिक चलता है, फिर दो बॉल्स है, अब 2D में सेपरेशन हो जाती है। अब वो कहते हैं 2D में देखो मोमेंटम एक्स एक्सिस की लॉन्ग अलग, वाई की लॉन्ग अलग। अब यहां तक पहुंचते क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम एक यहां पे लग रहा है, एक तो कहीं और लग जाएगा, फिर कहीं और लग जाएगा, और कोई भरोसा नहीं, रोटेशन के अंदर भी शुरू हो जाता है, कहीं भी लगता जाएगा। तो इस टाइम तक काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये हो जाता है कि मेरे को ये नहीं समझ आता फिजिक्स में आज तक कि कैसे टीचर को पता लग जाता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन होता है और मेरे को नहीं, क्यों नहीं पता लगता एक नए क्वेश्चन में। काफी लोगों की प्रॉब्लम रहती है, उसका रीजन यही है कि जब तक आप सारे एग्जाम्पल्स को इकट्ठा एक पिक्चर में नहीं देखोगे, पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट करके देखोगे, तो वो कभी समझ नहीं आएगी। और ये चीज जो प्लस वन में समझ आता है उसको तो समझ आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको ये कहानी समझ ही नहीं आती कि पिक्चर टूटी हुई पिक्चर है उसको नहीं समझ आता। तो मैं आपको टूटी हुई पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको जुड़ी हुई पिक्चर दिखाऊंगा। और कैसे, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा कि एक प्रोजेक्टाइल में लगा दिया फिर बंद कर दिया, फिर वर्क पर एनर्जी के टॉपिक में लगा दिया फिर बंद कर दिया, फिर रोटेशन में लगा दिया फिर बंद कर दिया। मैं आपको एक ही गो में जितने एग्जाम्पल आपकी ऑब्जेक्टिव बुक सब्जेक्टिव बुक्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जितने मैंने इसके अलावा जो एग्जाम्पल मैं करवाने जा रहा हूँ इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं जहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगता हो, मतलब जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैं एक एक करके आपको लगा के भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि कहां पर लगते हैं, ताकि अब आज के बाद जितने भी क्वेश्चन कंजर्वेशन मोमेंटम के होंगे आपका हाथ नहीं रुकेगा। ठीक, पर लेकिन जो मैं आज करवाऊंगा फिर मैं वर्क पार में नहीं कराऊंगा और ना ही मैं फिर रोटेशन में कराऊंगा, जो आज हो गया बस ये फाइनल है। ठीक, तो फिर टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहला एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है इसके, टाइप्स कितनी है। पहला टाइप का क्वेश्चन आता है, एक गन है और एक बुलेट है, गोली चली नहीं, बुलेट अभी गन के अंदर है। सबसे पहले करने से पहले हमने कहां से स्टार्ट किया था, F इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो तो मोमेंटम इज अ कांस्टेंट। पता कैसे लगता है एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मेरे को गोली चलानी है, F मींस एक्सटर्नल फोर्स, मैं गोली चलाने का स्टाइल देखो मेरा, मैंने बुलेट को हाथ में पकड़ा अंदर से और अपनी मर्जी से मैं उसको जोर की फेंकूंगा या नहीं फेंकूंगा, गन को मैंने धक्का मार दिया पीछे की तरफ या नहीं मारा, जोर की मारा हल्के मारा, क्या आप वेलोसिटी बता सकते हो कितनी वेलोसिटी से बुलेट को मैंने फेंका, कितनी वेलोसिटी से गन को पीछे फेंका, कैसे बताओगे, तो मेरी मर्जी है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मैं क्या लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स। अब दूसरा, इसका दूसरा स्टाइल देखो, बुलेट गन में पड़ी हुई थी, स्प्रिंग के साथ चलती है बुलेट, स्प्रिंग फोर्स था, स्प्रिंग के अंदर उसकी इंटरनल फोर्स थी, मैंने नहीं कुछ किया बस मैंने गोली चला दी, जैसी उनकी उनके ऊपर लग रही है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है, आपकी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हाँ, बॉडीज की अपनी इंटरनल फोर्सेस हैं वो ठीक है,
उस केस में क्या होगा, जितनी तेजी से बुलेट जाएगी उतनी तेजी से गन पीछे आएगी। दिस इज अ केस व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो। अब कई लोग कहते हैं कि सर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो बॉडी मूव कैसे करेगी, कोई बात नहीं, इंटरनल फोर्सेस सफिशियंट है इसमें उसको मूव करवाने के लिए, और इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होता, मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है। वो सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो है उस सिस्टम का नाम क्या रखेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। दूसरा एग्जांपल, जब एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है सुना होगा कंजर्वेशन मोमेंटम लगता है, दो टुकड़े हो गए बॉम्ब के M1V1 M2V2, सुना होगा। पहला तरीका देखो बॉम्ब एक्सप्लोड करने का, बॉम्ब पकड़ो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, एक एक टुकड़ा उठा उठा के फेंको, मीन्स आप एक्सटर्नल फोर्स कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। दूसरा तरीका, उसको टच मत करना, उसकी अपनी केमिकल एनर्जीज हैं, जो भी एनर्जीज हैं, जो भी फोर्सेस हैं, उसको एक्सप्लोड होने दो, टुकड़े अपने आप आसपास इधर उधर जाएंगे, आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि इस केस में मेरी इंटरफेरेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है। तीसरा फिर एग्जांपल सुनो, मैं बोट के ऊपर खड़ा हुआ था, बोट के ऊपर चलता हूं, बोट पीछे आने शुरू हो गई, ठीक। दूसरा एग्जांपल सुनो इसी का, मैं बोट के ऊपर खड़ा हुआ था, मैं आगे जाता हूं, बोट कुछ वेलोसिटी से पीछे आती है, लेकिन साथ ही आप खड़े हो पानी में, आपने जोर की बोट को पीछे धक्का मारा, आपकी इंटरफेरेंस हो गई ना सिस्टम में। बोट और मैन एक सिस्टम था, लेकिन कोई बाहर से आके धक्का मारेगा, दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, मैच चल रहा था, मैंने अपनी कोई फोर्स लगाई, वो मेरी इंटरनल फोर्स है, बोट और मैं एक सिस्टम है, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और जिनके लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है उनके लिए मोमेंटम क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो इट मींस कि जितने जितने सिस्टम आइसोलेटेड है उनमें मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। और मैं आज जो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं वो सारे आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उन सब में मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो देखो, सबसे पहले अगर एक गन है, इसमें से बुलेट निकलेगा, गन गोली चलने से पहले गन का मोमेंटम जीरो, बुलेट का मोमेंटम जीरो, कुछ नहीं, कोई नहीं चल रहा था, गोली चल पड़ी, बुलेट M1V1 के साथ गई और गन M2V2 के साथ। तो अगर बुलेट का मोमेंटम इतना तो गन का मोमेंटम M2V2, लेकिन आपको क्या करना है, इसके आगे साइन क्या लगाना है, माइनस, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आप इन दोनों को एड करोगे आंसर फिर से क्या आना चाहिए, जीरो। इट मींस मोमेंटम क्या रहा आपका, कॉन्स्टेंट, गोली पहले जीरो, गोली चलने के बाद भी जीरो, क्लियर है। और ये समझ आ गया, ये क्वेश्चन M1V1 = M2V2 कैसे आ गई, ऐसे आ गई, ठीक है यहां तक। पहला पॉइंट क्लियर है, तो दूसरा पॉइंट सुन लो। दूसरा एग्जांपल है बोट एंड मैन, एक बोट है, ये मैन है, मास ऑफ बोट एम है, मास ऑफ मैन छोटा एम है, एम डैश आई सपोज। ना तो पहले मैन चल रहा था ना बोट चल रही थी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जितने एग्जांपल ले रहा हूं आइसोलेटेड है, आपकी और मेरी इंटरफेरेंस में इन सब में मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। चलने से पहले मोमेंटम और चलने के बाद मोमेंटम विल बी सेम। तो जब मैन ही नहीं चल रहा, बोट ही नहीं चलेगी, तो टोटल मोमेंटम सेम। सोचो मैन आगे जाता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी डैश, तो बोट पीछे आएगी विद द वेलोसिटी ऑफ वी, ठीक। तो बोलो मैन का मोमेंटम कितना है, एम डैश इनटू वी डैश। तो बोलो बोट का मोमेंटम कितना है, माइनस एम कैपिटल वी। मत भूलो, अगर गलती से बोट पीछे आ गई ना, मैन को साथ ही लेके आएगी, हवा में नहीं है, मैन में आई, तो इसलिए एम नी कॉमन वेलोसिटी। पॉइंट क्लियर है यहां तक। कई लोग इसको, कई बुक्स रादर इसको ऐसे नहीं करती, कई बुक्स ऐसे ही करती हैं कि मैन का मोमेंटम बोट का मोमेंटम मीन M1V1 = M2V2। लेकिन याद रहे, फिर अगर कोई उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है तो वो फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेगा, मतलब उसको फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा टू कैलकुलेट अ रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड रादर, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो ना, किसके अंदर M1V1 = M2V2, तो फिर v का मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, v का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है। पर मैं आपको रिलेटिव के चक्कर में डालना नहीं चाहता, क्योंकि रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन करना थोड़े से मुश्किल होते हैं, हम एब्सोल्यूट काम करते हैं। अगर बोट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालनी है तो वो ऐसे निकलेगी, ज्यादा क्लियर है। तो आप ऐसे ही लगाना, m + m into v,
डैश मींस एम डैश वी डैश एम प्लस एम डैश इनटू वी, तो वी की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी एम डैश वी डैश अपॉन, ये वैल्यू आ गई, और वी अपॉन वी डैश, ठीक है ना, यहां तक ये वैल्यू आ गई, गुड आउट इसमें। अब मुझे एक चीज पता है कि ये फ्रैक्शन लेस देन वन, तो वी इज लेस देन वी डैश, ठीक है ना, मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन किया, डाउट है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, और यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि जो वी की वैल्यू है बोट की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी से क्या आएगी, कम आएगी, वो तो है ही। अगर मैं 10 की स्पीड से भाग रहा हूं तो बोट 10 से ज्यादा कैसे भाग सकती है, मेरी वैल्यू है, और मैं 10 की स्पीड से और बोट 50 की स्पीड से, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर मैं मेरी वेलोसिटी वी है तो बोट की वेलोसिटी मेरी तो कम से कम कम ही होगी, ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, सिमिलरली सेम चीज है, कई बुक्स में बोट होता है कई बुक्स में ट्रॉली होती है, एक ही बात है, कुछ नहीं करना, सेम एग्जांपल है, जो बोट के लिए किया वो ट्रॉली के लिए किया। नेक्स्ट है कि सपोज एक बैलून है और सपोज ये लैडर है, एक मैन इसके ऊपर है, बैलून का मास एम है, मैन का एम डैश है, हवा में स्टेशनरी, मैन चल नहीं रहा, बैलून चल नहीं रहा, टोटल मोमेंटम जीरो, मैन ऊपर चल पड़ा विद अ वेलोसिटी ऑफ वी डैश, तो बोलो बैलून कितनी वेलोसिटी से नीचे आया, तो मैन का मोमेंटम बोलो एम डैश वी डैश, बैलून का एम प्लस, बोट वाला ही क्वेश्चन है सेम, जब बैलून नीचे आएगा तो किसको साथ लेके आएगा, मैन को, निकाल लोगे वी आंसर, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना। एक ट्रक जा रहा है, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, या एक ट्रॉली जा रही है, फ्रिक्शन नहीं है, ट्रॉली जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, ट्रॉली का मास है एम, क्या हुआ, कोई पर्सन इस पे जंप कर गया चलती हुई ट्रॉली पे, और बिना ट्रॉली को डिस्टर्ब किए, डिस्टर्ब मींस कि झटका नहीं मारना, कुछ नहीं, बस जेंटली प्लेस कर दिया मैन को, पैराशूट से उतर गया मान लो किसी तरीके से, तो इसके जंप करने से पहले और जंप करने के बाद मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, अगर झटका लग गया एक्सटर्नल फोर्स काउंट हो गई, एक्सटर्नल फोर्स काउंट होगी मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन आते हैं झटका नहीं लगाना, नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, तो जंप करने से पहले ट्रॉली का मोमेंटम एम वी, जंप करने के बाद मान लो इसका मास स्मॉल एम है, एम प्लस एम इंटू नई वेलोसिटी वी डैश निकाल लेना, ट्रॉली की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ऑब्वियसली मास बड़े कम होगी ना, ये थोड़ी ना है कि आप क्विंटल्स का 20 बंदे उस पे जंप कर और ट्रॉली की स्पीड सेम कैसी रह सकती है, स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। यहां तक उल्टा भी ट्रू है, अगर मास उड़ के चला जाए बिना डिस्टर्ब किए तो भी इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, इक्वेशन सेम रहेगी, मास उड़ गया हवा में उड़ गया तो फिर उसकी स्पीड ट्रॉली की थोड़ी तेज हो जाएगी, क्योंकि पहले मोमेंटम कितना था इतना किसी हो गया, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट है, कोलिजन इन 1D, जब भी बॉल्स की टक्कर होगी चाहे इलास्टिक चाहे इन इलास्टिक मोमेंटम ने कांस्टेंट रहना ही रहना है, देखो ना आ गया ना वर्क एनर्जी पार का क्वेश्चन, कोलिजन्स ये मैं कह रहा था कि बहुत मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वे से आपकी बुक्स में गिवन है, तो जब भी दो बॉल्स की टक्कर होगी तो टक्कर होने के बाद एक की वेलोसिटी v1 और दूसरे की वेलोसिटी v2, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इतना, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इतना,
लेकिन टोटल मोमेंटम विल रिमेन सेम, क्योंकि बॉल्स की कोलिजन में एक तो ये तरीका है कि मैं बॉल्स को हाथ में पकड़ूं, खुद ही टक्कर करवाऊं और अपनी मर्जी सेपरेट कर दूं। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम, आपकी कोई इंटरफेरेंस नहीं, आपने बस एक बार बॉल को स्पीड देकर छोड़ दिया, टक्कर हुई, अपने आप सेपरेट हो गए। दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें यह लगेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें समझ आ रही है बात? नेक्स्ट है कोलिजन इन 2D। कोलिजन इन 2D में सपोज एम मास, एम वन मास आया विद द वेलोसिटी ऑफ यू वन। ये केस बनाता जा रहा हूं कि अगर कोलिजन इन 2D है तो भी उस केस में क्या होगा, मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। देखो इधर, तो सपोज एम वन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ यू वन, सेकेंड बॉल एम टू वॉज लाइंग एट रेस्ट, कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोलिजन हो रही है, टक्कर होने के बाद एक बॉल एम वन ऊपर चलेगी विद द वेलोसिटी ऑफ वी वन, एक बॉल नीचे आ गई विद द वेलोसिटी ऑफ वी टू, और सेपरेटेड बाय डिफरेंट एंगल्स थीटा वन एंड। ठीक है, यहां तक डायग्राम यही बनेगा।
जाते हुए देखो जरा ये, अब मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो प्लीज इसका मोमेंटम बोलो जल्दी जल्दी, m1 v1, इसको रिजोल्व कर लो, m1 v1 cos of θ1 ऊपर की तरफ, m1 v1 sin of θ1 उसी तरीके से नीचे आ जाएं, इसका मोमेंटम m2 v2 का बोलो, m2 v2 cos of θ2 एंड इस तरफ m2 v2 sin of θ2। क्लियर है यहां तक? लेकिन याद रहे, अगर आपने कॉम्पोनेंट्स बना लिए फिर एक्चुअल वेक्टर नहीं बनाना, बस इसको मिटा दो, मेरे को नहीं चाहिए ये, क्योंकि मैं कॉम्पोनेंट्स तो ड्रॉ कर ही चुका हूं, तो अब इसका क्या करूंगा? ये अब ठीक हो गया डायग्राम, थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मेरे को ये बताया गया कि पी मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा कोलिजन में, पर इस केस में मोमेंटम एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो मेरे को मोमेंटम के दो हिस्से करने पड़े, एक्स एंड वाई। तो अगर टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है तो एक्स के अलोंग भी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा एंड वाई के अलोंग मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है यहां तक? टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट है ही, एक्स के अलोंग भी और वाई के अलोंग मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। कोई डाउट इसमें? ठीक, वापस आ जाए। तो अब पहले एक्स के अलोंग इक्वेशन बनाए अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस, जब मैंने एक्स बोला तो सिर्फ एक्स देखना है, टक्कर होने से पहले इसका एक्स के अलोंग मोमेंटम बोलो m1 u1। सेकेंड बॉल किस पे थी? रेस्ट पे। फिर दोनों बॉल्स का एक्स के अलोंग मोमेंटम बोलो m1 v1 cos of θ1 m2 v2 cos of, समझ आ गया यहां तक? इक्वेशन क्लियर है? एक्स के अलोंग हो गया कॉन्स्टेंट। अब एक काम करते हैं, अब हम वाई के अलोंग मोमेंटम कॉन्स्टेंट करते हैं। तो अगर मैं y के अलोंग मोमेंटम कांस्टेंट करूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी अलोंग y एक्सिस? सबसे पहले टक्कर होने से पहले ये तो x के अलोंग मूव कर रहा था, y के अलोंग को मूव ही नहीं कर रहा था, तो टोटल मोमेंटम जीरो, फर्स्ट बॉल का जीरो और सेकंड बॉल तो ऑलरेडी किस पे थी? रेस्ट। तो y के अलोंग कोई मूव ही नहीं कर रहा था, टोटल मोमेंटम जीरो इज इक्वल टू, टक्कर होने के बाद इसका वाई के अलोंग मोमेंटम बोलो m1 v1 साइन ऑफ θ1 प्लस माइनस m2 v2 साइन ऑफ, बिकॉज दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है यहां तक? कोलिजन इन 2D का एग्जांपल है ये, समझ में आ रहा है? लेकिन इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी आ रही है, कोई डाउट इसमें? बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक, इस बार रे ऑप्टिक्स ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लें। रे ऑप्टिक्स ऑब्जेक्टिव पेंडिंग पड़ा है ना, उसको लेना तो है ही, बीच में सोचा था, बीच में नहीं हुआ, तो पढ़ लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना।